कितना दूध देती भाई साहब? 3.5 किलो एक टाइम का। फिर तो बढ़िया यार, ये पहाड़ पे भी चढ़ जाते हैं पहाड़ में जाना ऊपर। कितनी है टोटल आपके पास बकरियां? 300 है। फिर आप इनका दूध बेचते हैं कि वैसे बकरी का मतलब बिजनेस है? बिजनेस है, ये तो बच्चे खा जाते कुछ, आप कुछ कुत्ते खा जाते हैं बकरी का, बच्चे जिनके बच्चे बेच देते वो। हाँ नहीं बच्चों ये तो उसमें भी जाता है ना मटन में। बकरी का घी बहुत हेल्दी होता है। ये इसमें आपको सामान है सारा 2000 रुपए किलो। हाँ पड़ा आपके पास घी है थोड़ा इस वक्त का? नहीं होता है तो किलो पर दे दो, ठिकाने पर होगा ना इस टाइम में। अच्छा अच्छा तंबर भी नहीं होगा। 200-150 रुपए किलो दूध मिल जाता है। कह थी 4000 रुपए किलो दिया पिछला साल। दिल्ली तो बहुत ही दिल्ली कैसे वाले खत्म ये राशन पानी। अच्छा अच्छा मतलब आप साथ ही चले होते हो, खाना पीना बनाया और चल मेरे भाई। आटा चावल तेल तुड़का। रात को सोते कहाँ हो फिर? सोते कहाँ हो? टेंट जाए बैठे वहीं सर। ये टेंट लगाते हो यूं? बारिश में तो टेंट पास में खड़े हो, उसे तो पास में खड़े हो तिरपाल होते हैं। बाबूजी के साथ फोटो खींचा। गाड़ी फोटोग्राफर थैंक यू। हाँ मैं थोड़ा सा वीडियो कंप्लीट कर दूँ। ये आप पहाड़ी बकरियां देख रहे हैं, बकरी है ना, बकरी नहीं। इनके सींग आप देखेंगे, घूमे हुए सींग हैं इनके, किसी किसी के, किसी का एक टूटा है, लड़ाई में टूट गया मुझे लगता है, लड़ाई में पत्थर लगता है, मारता तो नहीं है। नहीं नहीं ये देखिए जी पहाड़ी बकरी, इसके खून लगा बाबू जी। ये बकरा है क्या? 300 हो जाएगी बाबू जी। ये बकरा है क्या? बकरी है सारी। ये बकरा ये है, खतरनाक ही दिख रहा है, इसे दूर रहना पड़ेगा थोड़ा। बकरी थोड़ी बेचते हैं। ये अगर अम्मा लेके जाएंगे गर्म इलाके में तो वहाँ जी नहीं पाएगी। नहीं गर्म इलाके के जी नहीं जिएंगे। अब जाती है मतलब सर्दी को नीचे जाएगी, पंजाब जाएगी।